बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th मैथ है, चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन है। चैप्टर का नेम 5.1 करवा रही थी, तो आज जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, यानी दर्जेज एल की भी आपने यहाँ पर क्या करनी है, दर्जेज ही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 5 ax minus 3 ay minus 5 bx plus 3 by। तो इसका सलूशन करें। सबसे पहले आपने सलूशन जब भी करना है तो एक दफ़ा आप लोगों ने स्टूडेंट रखकर लाजमी लिखनी 3 by। अब इसमें से देखिए कि आपके पास क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है। सभी में से तो एक चीज़ कॉमन नहीं निकाल सकते, तो फैक्टर बना सकते हैं। इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, ए बाहर, ठीक है। बाकी क्या रह गया आपके पास, 5 ax minus 3 y। अब यहाँ पर भी बी मौजूद है, यहाँ पर भी बी मौजूद है, माइनस का बी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या रह गया आपके पास, 5 ax minus 3 y। यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर जो है, यहाँ पर अगर माइनस लिखा हो तो ब्रैकेट के अंदर आप लोग अलामत चेंज ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए क्या चीज़ तो आपके पास कॉमन निकल आएगी, 5 ax minus 3 y। बाकी स्टूडेंट क्या रह गया आपके पास, a minus b। यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3 ax y plus 2 y minus 12 x minus 8, ठीक है। 3 ax y plus 2 y minus 12 x और minus 8। अब इसमें भी स्टूडेंट देखें कि आपके पास क्या चीज़ आप कॉमन निकालेंगे, 3 ax y plus 2 y minus 12 x minus 8। जी स्टूडेंट निकालें ज़रा, क्या चीज़ निकाल सकेंगे यहाँ पर 3 ax y में। अच्छा अगर देखें तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, y बाहर, बाकी क्या रह गया आपके पास, 3 ax plus 2। इसमें से आप लोग क्या चीज़ बाहर निकाल सकते हैं, आपके पास यहाँ पर 4 निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर बनना है वो आपके पास यही चीज़ बने, 4 3 द 12 x, बाहर माइनस है तो अंदर क्या करेंगे, प्लस, और 4 2 द 8। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, 3 x plus 2, बाकी आपके पास रह गया y minus 4। यही आपका क्या है, इसके फैक्टर बने और यही आपका आंसर है। स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी, वही आपका यहाँ पर मैंने किया है जो आप लोग को पहले मैंने बताया हुआ है, फैक्टराइज किया है, कॉमन निकाला है, उसके फैक्टर बनाए हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या हुई है, ये तजजी यहाँ पर जो है वो किया है क्वेश्चंस की। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।